मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे ही पूरे प्रदेश से लेकर जिले तक के अध्यक्ष पद को लेकर नेता कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। सिंगरौली में भी शहर अध्यक्ष को लेकर बवाल मचा हुआ है। शहर अध्यक्ष बदलने की मांग हो रही है और साथ ही सिंगरौली जिले के शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल को बनाए जाने पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि सहवाल ने अरविंद सिंह चंदेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शहर अध्यक्ष बनाया गया है जिसने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रेणु शाह के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके पूर्व भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्य किया था। ऐसे व्यक्ति दलाली में लिप्त रहते हैं, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आया है, वह व्यक्ति पार्टी का कार्य करे तो ठीक है, लेकिन जो पद इनको दिया गया है वो उचित नहीं है। इनमें योग्य व्यक्ति सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी में है, ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाना गलत है। ऐसे व्यक्तियों की वजह से जिले में 25 वर्षों से भाजपा के लगातार प्रतिनिधि जीतते आ रहे हैं। जब इस संबंध में नए कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, वे निराधार हैं, अपने गिरेबान में झांके तो आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस पोलिंग में यह राम शिरोमणि निवास करते हैं उनमें कांग्रेस पार्टी कितने वोट लाई है? ऐसे व्यक्ति जो आरोप लगा रहे हैं उनकी नेता रेणु शाह ने खुद ही दूसरे दलों से विधानसभा चुनाव व महापौर चुनाव लड़ा था, क्या वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में नहीं थी? साथ ही अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि जो भी मनमुटाव है पार्टी में सब ठीक हो जाएगा, विवाद की ऐसी कोई बात नहीं है, हमें हमारे नेता अजय सिंह, राहुल भैया व कमलनाथ ने पदाधिकारी बनाया है, पार्टी के सभी लोग उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसीवाई गोपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रत्यु अजय सिंह राहुल भैया का एवं समस्त शीर्ष नेतृत्व का आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की रीत नीति और विचारधारा के अनुसार कांग्रेस पार्टी को चलाकर जन जन तक कांग्रेस पार्टी के संदेश को पहुँचाएँ, सोनिया जी के संदेश को पहुँचाएँ और पार्टी और संगठन को मजबूत करें। रही बात कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यह हमें जानकारी नहीं है, और जो विरोध कर रहा होगा सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, बड़ा परिवार है, यदि कहीं किसी का कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम उसे बैठ आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, इसके पहले भी जब जब माननीय राजा बाबा चुनाव लड़े तब भी उन्होंने विरोध किया, राम अशोक शर्मा लड़े तब भी विरोध किया। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपने अलावा वह किसी को प्रत्याशी या नेता के रूप में देखना पसंद नहीं करते, बल्कि इसको दुर्भाग्य कहें कि जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है तब से कांग्रेस में आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। सिंगरौली में सिर्फ 2000 में श्रीमती रेणु शाह जी जो है मेयर का एक चुनाव जीती हैं, इसके बाद आज तक कोई चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंगरौली में नहीं जीती है, लगभग ये 25 साल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जाति समीकरण के आधार पर अच्छे अच्छे प्रत्याशियों को समय समय पर उतारा है। चूंकि कार्यकर्ता खराब होने के कारण पार्टी कई बार लगातार प्रत्याशी बदली, पंडित राम अशोक शर्मा को विधानसभा का टिकट दिया, आदरणीय राजा बाबा को दिया, महापौर का टिकट अयाज भाई को दिया, यहाँ तक माननीय इंद्रजीत पटेल जी को लोकसभा का टिकट दिया, यहाँ तक कि माननीय अजय सिंह राहुल भैया जिसको हम सब लोग हमारे सब के नेता हैं, जिसमें हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी, आशा था, विश्वास था कि माननीय अजय सिंह राहुल भैया अगर सिंगरौली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती, लेकिन कुछ बदनाम कार्यकर्ताओं की वजह से जिससे सिंगरौली के लोग ऐसे कार्यकर्ताओं से नफरत करते हैं, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा कांग्रेस विरोधी काम किए हैं, कांग्रेस को हराने का काम किए हैं, कांग्रेस को तोड़ने का काम किए हैं, कांग्रेस को खत्म करने का काम किए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।